हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का अम्बाला में स्थित बिग बाजार में छापा मारा गया। एक मानी हुई निर्माता कंपनी के पैकेट दूध के सैंपल भरने के बाद छापा मारने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि सैंपल फेल होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गांव के रहने वाले त्रिविंदर सिंह ने शिकायत की थी कि जब उन्होंने बिग बाजार से सामान खरीदा तो बचे हुए रुपए के बदले बिग बाजार सेल्समैन ने उन्हें दूध के दो पैकेट दे दिए, लेकिन जब उन्होंने दूध के पैकेट को घर जाके खोला तो उसमें कीड़े निकले। क्या नाम है? मेरा देवेंद्र पाल, पंजोखरा साहब का रहने वाला हूँ मैं। और दो तीन दिन पहले यहाँ से टॉय ले गए थे बच्चे का, बच्चा यानी कि बच्चा छोटा है, टॉय बड़ा था, वो चेंज करने के लिए आ गए तो एक छोटा टॉय लिया, तो उसमें कुछ बैलेंस बचाने की तरफ इन्होंने कहा भी आप कुछ परचेज कर लो, तो सामान खरीदा तो 50 रुपये इनकी तरफ फिर रह गए। ये कह रहे हैं कुछ और ले लो आप 50 रुपये का, तो मिसेज ने पैकेट उठा लिए दो दूध के, अमूल मोती के, तो वो घर गए, घर जाके बच्चे को दूध देने के लिए पैकेट खोला ही था, बोतल दी तो उसमें एक कीड़ा आ गया बोतल में, तो हमने सारा पैकेट बर्तन में निकाला तो उसमें दो कीड़े और थे, तो हमने एसएमओ साहब और हरभजन सिंह इंस्पेक्टर हैं ये हमारे गांव के ही हैं, उन्हें बताया, वो कह रहे भी आप कल को बाजार के सामने पहुंचे पैकेट लेके और जो खुला दूध है हम कार्रवाई करेंगे। शिकायत पर हुई तुरंत कार्रवाई को देख बिग बाजार प्रशासन भी हैरान रह गया। डॉक्टर ए के शर्मा की अगुवाई में 6 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की और नामी कंपनी के दूध के सैंपल भरे, सैंपल भरकर सील कर एक्शन भी लिया गया। डॉक्टर शर्मा की माने तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास कंप्लेंट आई थी एक इवनिंग में कि अमूल के दो पैकेट खरीदे थे हमने, अमूल मोती टोंड मिलक के, तो उसमें से कस्टमर ने कहा था कि कुछ इंसेक्ट वगैरह निकले हैं एक में, दूसरा पैकेट उसके पास था, वो भी हमने खुलवा के देखा उसमें तो नहीं मिला, लेकिन हमने सैंपल्स सीज कर लिए दो, एक अमूल मोती के उसी प्रोडक्ट के उसी डेट के हमें यहाँ पे बाय चांस मिल गए जो कल कस्टमर लेके गया था, और एक फुल क्रीम मिल्क का टेट्रा पैक का सैंपल अमूल का हमने लेके अब इसको लेबोरेटरी में भेज देंगे, जैसे रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला से अजा टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।